नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के कैराना नगर के प्राचीन सिद्धपीठ बाला सुंदरी मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। मंगलवार की सुबह मंदिर के पुजारी अशोक कुमार जब पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचे तो वहां सामान खुर्द बुर्द पड़ा हुआ दिखा, जिसके बाद पुजारी ने मामले की सूचना मंदिर कमेटी व स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने देखा कि अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर परिसर में पहुंचकर मंदिर के गेट के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो माता बाला सुंदरी के सोने व चांदी के आभूषण और छत्र सहित कीमती सामान चोरी किया गया है। उधर घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण करने के बाद पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश जारी किए। वहीं पुलिस ने उक्त प्रकरण में डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर बारीकी के साथ मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस इस पूरे प्रकरण में छानबीन करने में जुटी हुई है। मंदिर में हुई चोरी की घटना से लोगों में भी काफी आक्रोश बना हुआ है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने बताया कि चोरी के प्रकरण में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। रात यहाँ से नुकसान हो गया, चोरी हो गई जी। अच्छा, क्या ताले तोड़े? तीन ताले तोड़ गए, 40-45 छत्र छोटे थे जी, तीन छत्र बड़े थे। एक सोने का छत्र था 3-4 ग्राम का, एक मुकुट था माता रानी का। अच्छा, जो आप 45 छत्र बता रहे हो चांदी के छत्र थे, कितने वजन के थे ये? सारे छत्र 3 किलो वजन के होंगे। अच्छा, तो आपको किस समय पता लगा, आप कहाँ? हमने सुबह 5 बजे मंदिर खोलने के नाम उठते हैं जब पता लगा जी। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को सूचना दे दी सुबह 5 बजे जब ही पुलिस आ गई। तो क्या कोई पता नहीं लगा? अभी कोई पता नहीं लगा। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि ये कैराना मेन कस्बे के अंदर एक प्राचीन मंदिर थी, देवी माँ का मंदिर था, जिसके साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई थी। यहाँ जो पुजारी जी थे वो सब परिवार इस मंदिर के अंदर ही वो आवासित थे। मंदिर परिसर चारों तरफ से बाउंड्री से जो सुरक्षित भी है, और जगह जगह जो गेट या इत्यादि थे वो बखूबी पहले के तरीके से बंद था। सवेरे के समय 4:30 से 5 बजे के समय जो है, जो पुजारी महाराज हैं वो नित्य जैसे उठते थे, जो उनका रूटीन था उसी तरीके से आज भी जब उठे, उठने के बाद जब वो मंदिर के गर्भगृह की तरफ गए तो उनको दरवाज़ा निकला हुआ मिला था। दरवाज़ा निकलने के बाद जब उन्होंने देखा तो मंदिर के अंदर जो मुकुट और बाकी कुछ और सिल्वर की छत्र वगैरह जो थी, ये सब चीज़ें उनको नहीं मिली। वो देवी माँ की जो नथ गोल्ड की है वो उसमें यथावत है। और उसके बाद जो है उन्होंने ये जो कमेटी के लोग हैं उनको सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद इमीडिएट त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्तर से फोरेंसिक की टीम बुला ली गई है। हमारे जो SOG बाकी सारे लोग हैं, क्योंकि इसको हम एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं, निसंदेह एक आस्था का सवाल है ये, और इसमें अगर किसी तरीके की खुराफात कोई हुई है तो उसका अनावरण होगा और त्वरित कार्रवाई भी हम कराएंगे। आपके माध्यम से हम ये चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, उसमें जो भी व्यक्ति, चाहे पुजारी मौलवी जो भी रह रहा है, थोड़ा सा सुरक्षा का वो जरूर ध्यान दे। और किस तरीके से कहाँ लॉक का सिस्टम है, कहाँ समय समय पे करे, CCTV वगैरह भी जरूर लगाया जाए। जो पुलिस प्रशासन लगातार हर बार हर मीटिंग से लेकर अनवरत तो उनसे जो गुजारिश करता रहता है, CCTV भी लगाया जाए। और इसके साथ ही साथ यदि कोई घटना दुर्घटना हो तो जब तक पूरी टीम ना आ जाए उस सीन को डिस्टर्ब ना किया जाए, ये जरूर अनुरोध है। बाकी ये घटना पे जो तहरीर प्राप्त हुई है अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई कराई जाए। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।